हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है और बादल जैसा क्लाउड एरिया है। और मैं आज सुबह जो है उठ के अपने भाइयों के साथ एक और कहना चाहिए जंगलों में जो मिलता है आयुर्वैदिक चीज़ जो दवाई, तो अपने भाइयों के साथ आना हुआ है। वही जो पिछली बार भी मेरे साथ कल आया हुआ था, मेरा भाई छोटा भाई और एक तो बड़े भैया आए हुए हैं। और जो कि इधर देख सकते हैं, ये जो कल जो एक पेड़ देख रहे थे, अरे देखिए ऐसा संजोग देखिए भाई को जो है ये पैसा भी मिला। यार पहले गाड़ी एक्सीडेंट भी हुआ है यार, तो गिरा होगा उनका। ठीक है, तो ये जो मैं हाथों में पकड़ा हूँ, देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए किसी भी चीज़ जो स्वास्थ्य से संबंधी होता है। तो जंगल बहुत सारा ऐसी चीज़ होता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहता, लेकिन हमें जो है बहुत सारा मदद करता है अगर कोई सारी बीमारियाँ हों, रोगों से जो है उबारने के लिए, है ना। तो ये जो मैं अभी छाल निकाल के मेरे बड़े भैया जो है दिए हुए हैं, ये केहुआ का जो है छाल है, ठीक है ना, उस पेड़ का छाल इस तरीके से देख सकते हैं। इसके एक बाहरी जो इसका जो है इंटरफेस इस टाइप का रहेगा और अंदर का इस टाइप का रहता है इसका इंटरफेस, ठीक है। तो उसको चलिए हम आपको करीब से दिखाते हैं उसका पेड़ का जो है, एक बार तो इसका साइज दिखा दो। पेड़ का काफ़ी ज़्यादा विशाल आकार का है ना। तो यह हमें जो है ये कहना चाहिए हमारा रामानुजगंज और अंबिकापुर का मेन रोड में जो कहना चाहिए, ये हमारा एक और जरिया का एक लोकेशन है, यहीं पर जो है रोड किनारे है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है, ये विशाल आकार में रोड किनारे की। आप लोग जिसको भी ज़रूरत होगा तो ये आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये पेड़ जो है इस तरीके का इसका शेप होता है, इसका पेड़ का जो है पत्ता है, पत्ता तो नीचे है ही नहीं है, इसका पत्ता नहीं मिलेगा, काट रहा है इसका पत्ता, उसको कीड़ा उड़ गया खा गया। तो ये रोड किनारे होने की वजह से जो है ये देखो इसमें पत्ता वगैरह जो है धूल वगैरह आ गया। तो पत्ता जो है देख सकते हैं इस तरीके का जो है इसका पत्ता कीड़ा वगैरह खा गया है, फिर भी क्लियरली दिख पाएगा, पहचान पाएंगे इसके जरिए जो है इस पेड़ के पहचान के लिए आइडेंटिफाई के लिए ये पत्ता जो है आपको मदद करेगा, ठीक है। तो अभी इतना सारा जो है हम लोगों ने छाल निकाल रखा है, हाथ में पकड़ा हूँ, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा पूछूंगा इनसे कि क्या क्या मुझे मदद करता है, मेरे बड़े भैया है तो थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये जो छाल है, ठीक है, तो एक क्या क्या के लिए हमारे लिए काम आएगा, ताकत के लिए बढ़ाने का छाल हो गया, पत्तों का छाल हो गया, पुदीना पेड़ का छाल हो गया, तीनों मिक्स करते हैं, जैसे 2 लीटर पानी डालते हैं, 2 लीटर पानी डालने के बाद उसको उबालते हैं, तो उसमें 1 लीटर बचना चाहिए। हाँ, तो खाली पेट में सुबह सुबह इसको पीना चाहिए। अच्छा, चाय टाइप से हल्का। हाँ, तो ये देखिए मेरे बड़े भैया ने आपको अवगत कराया ये चीज़ जो चीज़ें हैं जो अभी हमारे पास केहुआ का छाल है, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे कल अपन जो है आप लोगों को मैंने दिखाया कि रोहिणा का छाल लाए थे, रोहिणा के पेड़ का, ठीक है, और एक और आसना पेड़ का जिक्र कर रहे हैं, उसका भी छाल जो है आपको आसानी से अपने जंगल के आसपास इलाकों में मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये जो छाल है, ये 3 छाल को यदि आप कंबाइन करके उपयोग करेंगे उबालने के बाद, इनका कहना है कि आप 2 लीटर पानी में जो है इस छाल को है जो एक बार मिश्रण करके इसके बाद उसको 1 लीटर बचाना है, और सुबह सुबह जो है इसको बिना पेट पीना, मतलब बिना खाए ना, हाँ, तो खाली पेट जो है इसका आप जो है उपयोग करेंगे। इसके बाद जो है आपको जैसे ब्लड का समस्या है, ब्लड नहीं बन पाता है, या फिर आपको थोड़ा वीकनेस है, कमजोरी है, तो आपको और साथ ही आपको कमजोरी बन रहा है तो ताकत को जो है बढ़ाएगा ही। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी बीमारियों से निराकरण और उसका जो है नव समाधान के लिए, निदान के लिए बहुत ज़्यादा ही मदद करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है जो चीज़ें था मैंने आप लोगों को इस टॉपिक को लेकर आया था, और
मैं चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों को दिक्कत जाता होगा क्योंकि हमें जानकारी नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया। तो चलिए फिलहाल के वीडियो में और चीज़ें भी दिखाने का प्रयास करूँगा, तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं फिर आगे। बताना चाहूँगा अब देखते हैं आपको, मैं कोशिश करूँगा कि आसना का भी पेड़ दिखा दूँ, ठीक है। होता ये है कि अभी वर्तमान स्थिति में जैसे आजकल के बच्चे या फिर आजकल के लोग जो है जंगलों में जाना बहुत कम होता है और उनका नाम भी नहीं जान पाते, मुझे खुद जानकारी नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ कि काफ़ी भाइयों लोग को भी समस्या जाता होगा, ठीक है। तो आगे की और अभी जो है भैया हम लोग को दिखाएंगे आसना का प्लेट, ठीक है, उसका भी अपन एक दो छाल जो है निकालेंगे और ले चलेंगे। तो जंगलों का देखिए वातावरण ऐसा होता है काफ़ी शांत रहता है और वातावरण अच्छा रहता है तो हवा भी हमें शुद्ध रूप से मिल पाता है। तो एक बार बोलूँगा आसपास के जंगलों का इलाका दिखा दो, पूरा एक राउंड एक्सप्लोर करके दिखा दो रोटेट डाउन कर। तो ये जो आप वातावरण और जंगल का इंटरफेस देख रहे हैं, ये आवरा झरिया बोलते हैं लोकेशन का नाम है, ये रामानुजगंज और अंबिकापुर रोड में जो मेन रोड है हमारा, आवरा झरिया के रोड किनारे का ये आपको क्षेत्र दिखा रहे थे जंगलों का इंटरफेस इस प्रकार का। तो ये शायद लगता है आसना का पेड़ शायद मिल गया है, तो सफाई कर रहे हैं, उसके बाद जो है निकालते हैं इसका छाल। तो ये थोड़ा ऊपर से नीचे करके दिखाओ इसको, ये है हमारा आसना का एक पेड़ मिला हुआ है। अब होता ये है कि अपन तो आसना का पेड़ बोल रहे हैं और कई सारे क्षेत्रों में जो है अलग अलग स्थानीय नामों से जानते हैं, तो हो सकता है कि आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं इन चीज़ों को, आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस पेड़ को क्या कहते हैं आपके क्षेत्र में, ठीक है। हमारे तरफ आसना के पेड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, क्या होता है कि ये हमको जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करता है कहीं भी, अगर बहुत सारा चीज़ जिसे हमको मेडिसिन से काम नहीं चलता है तो काम नहीं करता है, तो आयुर्वेदिक चीज़ें या फिर पहले जो जंगली क्षेत्रों में जो हमें अभी भी अवेलेबल है और अभी भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मदद होता है। तो मैं निकालने का प्रयास करूँगा इधर आकर, आसना के पेड़ का छाल निकालेंगे इस तरीके से, यदि इधर दिखाना तो अभी भैया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये उसको उसका जो छाल होता है कुछ इस तरह के ऊपर का छाल को निकालते हैं, तो देखो हमको एकदम रेड कलर का जो ब्लड सेल्स जैसा उसका उसका जो है विजन दिखाई देगा। मैं आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। कभी कभी होता है कि आप जानते हैं चीज़ों को आपके करीब भी होता है तो चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं। ये देखिए इसका छाल जो है रेड कलर का जो है लाल लाल रंग का आपको दिखाई देगा, तो ही मैंने आप लोगों को बताया कि दो तीन जो छाल है उसको आप साथ में मिश्रण के रूप में उबाल के जो है सुबह सुबह पियेंगे तो आपके लिए जो है काफ़ी मददगार साबित होगा। अब जो भी ये देखिए आपको पास से दिखाने का प्रयास करूँगा, इसका छाल जो है सामने से इस प्रकार का ऊपर का भाग छीलने के बाद जो मिलेगा इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है, और इसका पीछे की तरफ का जो है साइड लुक इस टाइप का आएगा, ठीक है। इस तरीके का छाल जो है आप अपने ग्रामीण अंचल में वन क्षेत्र में जो है मिल आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप दिखाएगा इस तरीके से दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा आसना का छाल, इसको आसना का छाल जो है आसना पेड़ से निकाला गया है, आसना का छाल है। तो ये सारा चीज़ जो है ये सब अपने को जो है दवाई के रूप में रोगियों को जो है मरीज जो रहते हैं उनके लिए मदद करता है, और ऐसे नॉर्मल सामान्य इंसान भी है जिसको थोड़ा भी लगता है कि हमें जो है ताकत की कमी हो रही है, थोड़ा वीकनेस लगता हो, वो इंसान भी इस चीज़ को उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी आपके लिए मदद मतलब व्यर्थ नहीं जाता चीज़, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। तो चलिए जो चीज़ें आज सुबह सुबह जो है इस चीज़ को दिखाया और
कल ही से प्लानिंग था है ना, तो कल तो शाम हो गया इसलिए इसके इसको अपन ढूंढ। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में और ब्लॉग में इतना ही दिखाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें से आप लोगों के समक्ष रखा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।